एक सुबह जब धोखेबाज भेड़िया जंगल में शिकार कर रहा था, उसने एक सारस परिवार को आकाश में उड़ते हुए देखा। वो जानता था कि उन्होंने पहाड़ियों में एक घोंसला बनाया है और उस घोंसले में उनके अंडे थे। उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आया। मैं समझ गया कि क्या खाना चाहिए, सारस के अंडे। लेकिन सोचना पड़ेगा कि उस पहाड़ तक कैसे पहुंचा जाए। और उस घोंसले में नन्ना मुन्ना एक बत्तख का बच्चा था जो चैन की नींद सो रहा था। उसके सारस भाई ने उसे जगाने के लिए घंटी बजाई। अरे उठो बत्तख, क्वैक 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 क्वैक। बेबी बत्तख उठा और पूछने लगा, क्या चल रहा है? हम उड़ान के लिए जा रहे हैं, और हाँ बीच में सो मत जाना वरना भेड़िया खा लेगा तुम्हें। भेड़िया? हाँ, क्योंकि तुम हमारी तरह ऊंचे नहीं उड़ सकते। चलो अब मैं जाता हूँ, बाद में मिलेंगे, अलविदा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दुष्ट भेड़िया पहले से ही उन्हें देख रहा था और योजना बना रहा था। जब सारस भाई बहन आसमान में उड़े तो बत्तख ने पीछा करने की कोशिश की। वो अपने छोटे पंखों को फड़फड़ाने लगा। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो उड़ जाएगा, लेकिन उसके अभ्यास में बाधा पड़ने लगी जब एक दिन उसने झाड़ियों के बीच को चमकते हुए देखा। वो क्या है? उसने जो चमकीली चीज देखी वो लाल जूतों की एक जोड़ी थी। वे कितनी सुंदर है, पर क्या वो मेरे पैरों में फिट होंगे? बत्तख के बच्चे ने जैसे ही लाल जूते पहने वो जमीन से ऊंचा उठा और पल भर में उड़ने लगा। मैं उड़ रहा हूँ। बत्तख का बच्चा तुरंत सारस परिवार के पीछे हो लिया। देखो बत्तख का बच्चा हमारे पीछे है। वाह, तुम यहाँ तक कैसे आए? मेरे जादुई लाल जूतों के लिए धन्यवाद। देखो, नीचे भेड़िया उन्हें देख रहा था। वो बहुत हैरान था। जादू, लाल जूते, अब मेरे पास एक अच्छी योजना है। रात में जब सारस परिवार और बत्तख का बच्चा सो रहे थे, भेड़िया चुपके से उनके पास आया। लाल जूते अंधेरे में भी चमक रहे थे। उसने अपने पंजों को फैलाकर डोरी से उन्हें खींच लिया। कल सुबह होते ही मैं एक सारा संडे का ऑमलेट खाऊंगा। सुबह सूरज उगते ही बत्तख का बच्चा जाग गया, और जब उसने अपनी बगल में लाल जूते नहीं देखे तो वो घबरा गया। ओ नहीं, मेरे जूते, मेरे जादू के जूते यहाँ नहीं है, मैं अब कैसे उड़ूंगा? बत्तख का बच्चा माँ सारस और अपने भाई बहनों की तलाश में दौड़ा। मम्मी सारस, मेरे भाई, तुम कहाँ हो? हालांकि वो उन्हें कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। मैं अपने जूतों के बिना कभी भी ऊंची उड़ान नहीं भर पाऊंगा। जब बत्तख का बच्चा दुखी होकर रो रहा था तो उसने दुष्ट भेड़िये को ऊपर उड़ते हुए देखा। मैं उड़ रहा हूँ। सारा संडो, मैं आ रहा हूँ, नाश्ते का समय हो गया है। ओ, मेरे जूते, भेड़िये ने मेरे लाल जूते चुरा लिए। बत्तख के बच्चे ने भेड़िये का पीछा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने नन्हे पंखों की वजह से वो उस तक नहीं पहुँच पाया, और फिर वो वापस जमीन पर गिर गया। ओह, मुझे अंडे को दुष्ट भेड़िये से बचाना है। ओह, काश मैं उड़ पाता। भेड़िया जादू के जूतों के साथ घोंसले में उतरा और सारस के अंडे की ओर बढ़ा। बत्तख का बच्चा उसे एक एक करके अंडे लेने की कोशिश करते हुए देख रहा था। सारस के अंडे खतरे में है, मुझे भेड़िये को रोकना होगा। बत्तख के बच्चे ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और जितना हो सकता था जोर से पंख फड़फड़ाए। अंडे, मुझे अंडों को बचाना होगा। आखिरकार बत्तख का बच्चा उड़ान भरने लगा, आकाश में ऊंची उड़ान पहली बार। मैं उड़ रहा हूँ, हाँ,
बत्तख का बच्चा उतरा और भेड़िये पर चढ़ गया। उसने जादू के जूतों को पकड़ा और जल्दी से उन्हें खींच लिया। ओ, नन्हे बत्तख, जूते। ठीक उसी समय सारस परिवार जल्दी से बत्तख के बच्चे के पास आया और गुस्से में भेड़िये को घोंसले से दूर भगा दिया। दुष्ट भेड़िया दलदल में गिर गया। मदद करो! सारस परिवार ने बत्तख के बच्चे को धन्यवाद दिया। अब तुम हमारे जितने ही ऊंचे उड़ सकते हो। हाँ, सचमुच। तो अब ये एक परिवार के रूप में एक साथ उड़ने का समय है बच्चों। बत्तख का बच्चा इतना खुश था कि वो उड़ सकता है और उस दिन से उसे एहसास हुआ कि उसे कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उसे जादू के जूतों की अब जरूरत नहीं है, उसे बस साहस और दृढ़ता की जरूरत थी। तो बत्तख का बच्चा एकमात्र बहादुर बत्तख बन गया जो आकाश में सारस के साथ उड़ सके। एक समय की बात है, जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनकी प्यारी लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे, खिलौनों जैसे। सभी माओं की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करती थी। एक दिन खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को पास बुलाया और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेस बदल बदल के तुम्हें ठगना चाहेगा। फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज रूखी है और मेरी आवाज मीठी सी है। रूखी और मोटी आवाज है, समझ जाना वही है। ये बोल के निकलते समय मदर गोट को कुछ और याद आया। वो मुड़के बोली, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद, तो पैर देख के भी पहचान जाना। चिंता मत करो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, we love you। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की ओर चल पड़ी। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका, फिर वो उनके घर पर पहुंच के दरवाजे पर नॉक करने लगा। कौन है वहां? मेरे प्यारे बच्चों, चलो दरवाजा खोलो, देखो मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने भेड़िये की रूखी आवाज पहचान ली। दरवाजे के उस पार से वो चिल्लाए, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बुद्धू नहीं बना सकते भेड़िये। भेड़िये को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को ठग नहीं पाया, तो उसने एक चौक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे पे नॉक किया। अब की बार भेड़िये ने अपनी मीठी आवाज में बात की, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। इस बार इस मीठी आवाज को सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये उनकी मम्मी की ही है। दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उनमें से एक चिल्लाया, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िये के काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मम्मी के पैर तो काले नहीं हैं, उनके पैर सफेद हैं। तुम भेड़िये हो। अपना गुस्सा निगल के भेड़िया वहां से निकला। अब वो बेकरी गया। बेकर भेड़िये को देखकर चकित रह गया। मैं अभी शाकाहारी हो गया हूँ, अब से पेस्ट्री खाऊंगा, थोड़ा आटा दोगे? भेड़िया बेकरी से आटा लेके निकला। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया। अब उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िये ने दरवाजे पर नॉक किया।
मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। पहले पैर दिखाओ तो मालूम पड़े कि मम्मी ही हो। भेड़िये ने उनको आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने समझा कि उनकी माँ है और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था भेड़िया। लिटिल गोट्स डरे, घबराए, चिल्लाने लगे। हाँ भागोगे, मैं पकड़ ही लूंगा। एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में, तीसरा चिमनी के अंदर गया, चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा, छठा पर्दे के पीछे और सातवा घड़ी के अंदर। पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं, रुको। सिर्फ घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए उसने सोचा नहीं और वहां से निकल गया। वहां एक बड़ा मैदान था जहां भेड़िया एक पेड़ के नीचे नाक बजा के सोने लगा। थोड़ी देर में मदर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देख के समझ गई कि कुछ हुआ है और वो चिल्लाने लगी। मेरे बच्चे! घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके नाम भी पुकारा पर नहीं मिला कोई। फिर सातवें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ मम्मी। मदर गोट तुरंत उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेस बदल के, हमें लगा आप हो, वो मेरे सभी भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई अपने बच्चे को लेकर। अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। उसकी नाक इतनी तेज बज रही थी कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने भेड़िये को थोड़ी देर देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। हे भगवान, लगता है मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा है। उसने एक प्लान सोचा। घर से मेरे लिए एक सुई, धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेके पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िये का पेट काटा, उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक करके दिखने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश हुई। सभी बच्चों ने मदर गोट को हग किया। मम्मी, 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 सभी बहुत खुश थे। बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िये के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सिल दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा।
भेड़िया जब जागा, खड़ा हुआ, उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से दर्द हो रहा है। उसे बहुत प्यास लगी। वो नदी की ओर गया पानी पीने। चलते समय पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ लग रहा है, जैसे मैंने पत्थर ही खाया हो। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो नदी में गिर गया। बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों का वजन उसे पानी में नीचे ले गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा, वो नदी की तरफ गए। सभी मिलके झूमने लगे। उस दिन से मदर गोट और उनके सातों लिटिल गोट्स की जिंदगी अपने घर में मौज मस्ती से बीती। बहुत पहले तीन पिगलेट्स अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। समय आ गया था कि अब वो घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद बसाएं। उनकी माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम दुनिया देखो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भूलना मत, तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना। जिंदगी जीने का ही सबसे सही तरीका है। थोड़ी सी उदासी और थोड़े से उत्साह के साथ अपनी माँ से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहाँ वो अपने घर बना सकते थे। सबसे छोटे पिगलेट ने घास से अपना घर बनाने की सोची। उसे लगा फटाफट आसानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने को बहुत समय मिलेगा। छोटे का घर एक दिन में बनके तैयार हो गया। उसने अपने भाइयों को बोला, देखो मेरा घर बन गया। बड़े पिगलेट ने घर देख के बोला, अरे ये घर तो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है, हम भेड़ियों से कैसे बचेंगे। छोटे ने बड़े की बात को रफा दफा कर दिया। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। मंझले पिगलेट ने अपना घर लकड़ी से बनाने की सोची। जंगल से डालियां इकट्ठा करके वो अपने काम में जुट गया। तीसरे दिन मंझले का घर बन गया। ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा टिकाऊ था। बड़े ने उसके घर को देख के बोला, तूने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे, बड़ा सुंदर घर है ये, पर क्या हम इसमें भेड़िए से बच पाएंगे। मंझले ने बोला, बिल्कुल सुरक्षित है, क्यों टेंशन लेते हो। बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। छोटे और मंझले जब अपने अपने घर में मजे कर रहे थे, बड़े अपना घर बनाने में जुटा था। वो ईंट पत्थरों से अपना घर बना रहा था। बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार ही इतना काम कर रहा था, वो बस खेल कूद के समय बिता रहे थे। जब हमारी तरह झटपट घर बन सकते हैं, तो इतनी मेहनत क्यों? ही कितना डरता है ये। बड़े ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 7 दिन लग के उसने अपना घर शानदार और मजबूत बनाया। अगले ही दिन एक भूखा भेड़िया उनके इलाके में आया। उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया।
छोटा सोफे में बैठा आराम कर रहा था। भेड़िये ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो दो चार फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर टिकाऊ है। भेड़िये ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर टूट गया, पर छोटा जैसे तैसे भाग निकला और दौड़ता हुआ मजले के लकड़ी वाले घर में पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही मंजले ने दरवाजा खोला और छोटा अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, इस घर में वो नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और उसने आवाज लगाई। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो दो चार फूंक से घर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। भेड़िये ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहां से निकल के बड़े के घर पहुंचे। बड़े, भेड़िया पीछे पड़ा है, क्या करे? बड़े ने उन्हें भरोसा दिलाया। टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुंचा। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो दो चार फूंक से घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे। भेड़िये ने गुस्से में जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी, पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक ईंट भी नहीं हिला पाया। वो थक हार के उसने एक दूसरी तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी, वो उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देख उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े ने फायरप्लेस में आग शुरू कर दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। बचाओ, चल गया रे, अरे बचाओ। भेड़िये को हरा कर पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लगे। तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए माँ के पास गए। छोटा सबसे पहले बोला, आपने सही कहा था, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, दिल लगा के करो तो कामयाबी मिलेगी। उस दिन से छोटे और मंजले ने आलस छोड़ दिया, बड़े की तरह मेहनत करने लगे और हंसी खुशी जिंदगी जीते रहे।